डोंगरगढ़ धर्मनगरी के शासकीय आदर्श ब्लॉक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलने वाली राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का समापन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवाज खान व जिला शिक्षा अधिकारी हेमंत उपाध्याय एवं विशिष्ट अतिथि के उपस्थिति में किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 12 जोन में आए खिलाड़ियों ने अपने अपने खेलों का प्रदर्शन किया, जिसमें राजनंदगांव जोन को विनर विजेता का खिताब हासिल हुआ। समापन कार्यक्रम में सर्वप्रथम खिलाड़ियों ने अतिथियों को मार्च पास्ट कर सलामी दी, जिसके पश्चात रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जोन खिलाड़ी को टेनिस बॉल, क्रिकेट, सॉफ्ट बॉल, योग मुंडो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में विजेता टीम को मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कार का वितरण कर सम्मानित किया गया, जिसमें 12 जोन से यह आए खिलाड़ियों में से राजनंदगांव जोन को बैनर विजेता का खिताब हासिल हुआ है। कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि ने बैलून उड़ाकर किया। गुजर रहा है, गुब्बारा उड़ा रहे हैं, अलविदा। दूसरी राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन 16 तारीख को इसी मैदान पे इसका उद्घाटन हुआ था और इसमें टेनिस, क्रिकेट, सॉफ्ट बॉल और यंग मुडो मार्शल आर्ट का आयोजन हुआ था। पूरे राज्य से 12 जोन के लगभग 1200 विद्यार्थियों ने सहभागिता अपनी दर्शाई थी और ये पूरे विभिन्न विभागों के संयोजन से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आज इस कार्यक्रम की समाप्ति हुई है। इसमें चयनित जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।